These rotting plants reek! Look who's talking! Don't you remember our talk about forearms needing four times the deodorant? अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आ चुका हूँ बेंटन प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ के घोर धमाकेदार गेम प्ले में। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ बहुत ही खतरनाक लेवल बेंटन प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ के। ये देखो, इस लेवल को मैं एक मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विलन्स आने हैं जिन्हें मुझे बहुत कम टाइम के अंदर ख़त्म करना है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट से भी कम का टाइम है, इसीलिए मैं इस लेवल को ख़त्म करूंगा, वो भी 1 मिनट से पहले। ये देखो कितने सारे नल वर्ड के क्रीचर्स हैं। अभी पहले भी मैंने नल वर्ड के क्रीचर्स को ख़त्म किया था, लेकिन और आ चुके हैं। अरे ये तो पौधा निकल आया है नीचे से, इस पौधे को मेरा पौधा ही हराएगा, क्योंकि वाइल्ड वाइन मैंने पिछले लेवल में अनलॉक कर लिया था। इस बार मैं ट्राई करता हूँ वाइल्ड वाइन के पास क्या क्या पावर हैं। ये लो, पहले ही इस पौधे को ख़त्म कर देगा मेरा वाइल्ड वाइन, तो मर चुका है और निकल आ चुके हैं नीचे से पौधे। कोई बात नहीं, मेरा पौधा इन पौधों को ख़त्म कर देगा और नल वर्ड के क्रीचर्स को भी हरा डालेगा, मौत का मज़ा चखाएगा। एक तो यार बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है जब ओमनीट्रिक्स की पावर यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। ये देखो और निकल आए नीचे से, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये रहा पौधा जो निकल आया, इसको ख़त्म कर दिया मेरे पौधे ने। और अब 2 ड्रैगन निकल आए नीचे से जिनको कर देते हैं ख़त्म। और देखो पौधे और निकल आए नीचे से कैक्टस वाले, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, और कौन रह गया? ये रहा आखिरी पौधा जिसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सो गाइस, 1 मिनट और 55 सेकंड के अंदर ये लेवल ख़त्म किया मैंने। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि नया लेवल है एविल माउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने नए लेवल के अंदर। यहाँ पर मुझे लगता है बेन किसी चीज़ से डर रहा है, लेकिन किस चीज़ से मुझे ये नहीं पता। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हमें आगे जाकर पता चल ही जाएगा कि हमारा हीरो डर किस चीज़ से रहा है। तो ये देखो ग्वेन भी इसका मजाक उड़ा रही है। ओ, अब मजा आया, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा हमारा वाइल्ड वाइन। ठीक है, बन जाते हैं वाइल्ड वाइन फटाफट से, और मुझे यहाँ पर ग्रैब करना है जैसा कि स्पाइडर मंकी पिछले गेम्स में हमारा करता था बेन 10 कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन में। इसी तरह ये भी यहाँ पर कर सकता है। तो ये देखो, ये भेड़िया आ चुके हैं जिनको मुझे ख़त्म कर देना चाहिए वाइल्ड वाइन की तरफ से। इनको लगेगी बहुत बुरी, बहुत बुरा पिटेंगे ये लोग मेरे हाथों से। ये लोग मुझे नहीं डरा सकते, चाहे ग्वेन को डराएं ग्रैंडपा मैक्स को, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं डरा सकते ये लोग। वैसे इतने सारे ये भेड़िए यहाँ पर आए किस तरह? यार कौन लेकर आया है, किसने भेजा इन्हें? पता तो लगाना पड़ेगा ये कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे एलियन यहाँ पर। अभी मैंने नल वर्ल्ड के क्रीचर्स को वापस भेजा नल वर्ल्ड में, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स आ चुके हैं देखो। खैर कोई बात नहीं, हम पता लगा कर रहेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं। हम अपनी पजल्स पर ध्यान देते हैं और चलते हैं आगे। ये देखो कितने सारे भेड़िए यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं, इन सबको ख़त्म करके मैं चलता हूँ अब आगे। तो गो का ऑप्शन आ चुका है, अब हम चलते हैं आगे यहाँ से। अरे चार्जिंग ख़त्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं हम। तो यहाँ पर मुझे क्या, यहाँ पर जाना है? नहीं, ये रास्ता तो बंद है, मुझे यहाँ से सीधा आगे जाना चाहिए इस जगह पर। यहाँ पर मुझे चढ़ने के बाद यहाँ से मुझे क्लाइम करना होगा ऊपर। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वाइल्ड वाइन को हमने बुला लिया जो कि क्लाइम करेगा यहाँ से ऊपर। थोड़ा सा लटक जाते हैं और अब मुझे छलांग मारनी चाहिए थोड़ी देर बाद। ए, मुझे लगता है अब मारनी चाहिए मुझे। हाँ, ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो कितने सारे मेरे दुश्मन यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इन सब को ख़त्म कर देता हूँ फटाफट से। तो हम अब चलते हैं आगे।
आगे जाने के बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये देखो इस जंगल में यार बेंच वगैरह कहाँ से पड़े हैं, यहाँ पर कोई रहता है क्या? मुझे लगता है यहाँ पर कोई रहता होगा। चलो कोई बात नहीं, पता तो लगा लेंगे, क्या बात है, कौन है अब? ये देखो कितने सारे दुश्मन और आ चुके हैं मेरे, जिनको मैं ख़त्म कर देता हूँ फटाफट से। इनको हमने ख़त्म कर दिया, अब हम चलते हैं आगे बिला झिझक। तो आ चुका हूँ आगे, यहाँ पर और दुश्मन आ चुके हैं टेलीपोर्ट करके। कोई बात नहीं, मैं भी इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था ताकि ये लोग आए और मैं इनको ख़त्म कर दूँ फटाफट। तेरी ऐसी की तैसी भेड़ियत, ये ले एक रह गया, इसको भी ख़त्म करूँ। तो अब हमें जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद हमें बदलना है वाइल्ड वाइन में और यहाँ से हमें कूदना है, एक करके एक के बाद एक क्रैप कर ही जाना है हमें। क्रैपल कर ही जाते हैं यहाँ से, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा यार, मैं नीचे ना गिर जाऊँ, बस बाकी खैर है। और अब क्रैप करते हैं अगले वाले पे। ये मैंने क्रैप कर दिया और अगले वाले के बाद मैं आ चुका हूँ इस चट्टान पर। बहुत मुश्किल से आया हूँ यार यहाँ पर, आसान नहीं है क्रैप करना। 5-6 उनसे मैंने क्रैप किया, चलो कोई बात नहीं, किया तो है ना हमने। तो अब यहाँ पर और भेड़िए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे थे मेरा। हो सकता है इन्हें डॉक्टर एनीमो ने भेजा हो, म्यूटेंट्स हैं ये लोग, शायद डॉक्टर एनीमो ने इन्हें भेजा हो, क्योंकि इस तरह के काम डॉक्टर एनीमो ही कर सकता, और तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों को कंट्रोल वही करता है ना। अक्सर हमने देखा है कार्टून्स में भी और मूवीज़ में भी, डॉक्टर एनीमो ही करता है इस तरह के विलन्स को कंट्रोल। ये रे भेड़िए। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे आने के बाद यहाँ पर देखो कितनी सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं और कितने सारे भेड़िए हैं यहाँ पर। सबसे पहले भेड़ियों को ख़त्म करूँ। इन भेड़ियों को ख़त्म करने के बाद मुझे इन मूर्तियों का कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, इसके करीब जाकर देखूँ तो क्या होता है? किसी मूर्ति के अगर मैं करीब जाऊँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे आगे जाने का। हाँ एक मिनट, ठीक है समझ गया। यहाँ पर मुझे एक्सेलरेट को बुलाना पड़ेगा और वो फटाफट से इन मूर्तियों को चालू कर देगा। ये सारी मूर्तियाँ हो चुकी हैं चालू। तो अब मैं आ चुका हूँ एक कास्टल के अंदर। कास्टल के अंदर आने के बाद मैं फोरआर्म्स को बुला लेता हूँ अपने। अरे ये देखो मम्मी, यहाँ पर मम्मी है बहुत सारे। हो सकता है अब मैं मम्मी वाले एलियन को अनलॉक करूँ आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मम्मी इसका DNA मौजूद है। इन सबको ख़त्म करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास यार इतना। पिछला लेवल हमने एक मिनट के ख़त्म किया, क्योंकि वो एक मिनट का ही लेवल था। ये लेवल थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसको टाइम लग रहा है। तो ये मम्मीज हमारे ख़त्म हो चुके, अब हम जा रहे हैं आगे। ठीक है आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। ये मैं लाल क्यों हुआ हूँ? अब हटाऊँ मैं और यहाँ से मुझे ग्रैब करना चाहिए। ठीक है ग्रैब कर लेते हैं। और ये वही लग रहा है मुझे, 5-6 जो हम ग्रैब करते थे ना वही। ये देखो अब दूसरे वाले पे ग्रैब किया, लेकिन ये सिर्फ 2 हैं, ज़्यादा नहीं है ये। तो यहाँ पर एक और साइक्लोन मम्मी आ चुका है। अरे ये तो मुझ पर पत्थर और चट्टाने फेंक रहा है। कोई बात नहीं, इसके करीब जाऊँ, अब मारूँ इसको, इसकी ऐसी की तैसी। सालो तुम लोग फेंकोगे मुझ पर चट्टाने। तो अब हम चलते हैं आगे यहाँ से। ठीक है आगे हमें जाना है बहुत ही प्यार से। अरे बच गया यार, नीचे नहीं गिरना है, थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ और यहाँ पर, और पीछे से आके आगे आ चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे मम्मी थे जिनको मैंने ख़त्म कर रहा हूँ, और भेड़िए भी आ चुके हैं। ये देखो कितने सारे भेड़िए आ चुके हैं, लेकिन मैं इन्हें कर दूँगा ख़त्म सबको, एक एक को ख़त्म कर दूंगा मैं। ये रहा सफ़ेद भेड़िया, बहुत ख़तरनाक होता है। तो गोगा ऑप्शन आ चुका है, अब मुझे जाना है आगे। ठीक है यहाँ पर, अरे ये तो नीचे गिर रहे हैं, मुझे फटाफट से यहाँ से आगे जाना चाहिए। ये देखो किस तरह नीचे गिर रहे हैं ये पत्थर। फटाफट से मैं पहुँच चुका हूँ इस चट्टान पर अपनी। तो यहाँ पर चट्टान पर आने के बाद बहुत सारे विलन्स यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिनके पास मैं आ चुका हूँ, जिनको ख़त्म करने। भेड़िए और कुछ ममीज मेरे पीछे लगे हुए हैं अभी तक इस कास्टल के अंदर हैं। ये ले तेरी ऐसी की तैसी।
एक मम्मी रह गया, इसको भी खत्म कर देते हैं। और अब गो का ऑप्शन आ चुका है, तो चलते हैं आगे। तो आगे मैं आ चुका हूँ। अरे एक मिनट, ये पैरामिड क्या बना हुआ है यहाँ पर? मुझे लगता है कुछ ना कुछ है। अरे ये तो शैतान का घर लग रहा है। ओह ये तो हैक्स है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आके टेनिस, अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से।